स्टडी गुरुकुल वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज का हमारा पहला वर्ड है ऑब्सक्योर। उसको डिवाइड कीजिए दो पार्ट में, ऑब्सक्योर ऑब्सक्योर, ठीक है। तो अभी देखेंगे उसको हम कैसे ब्रेक करें। जब हम ऑब्सक्योर बोलते हैं तो ऑब मतलब अभी आ जाता है, स्क्योर और एक बार बोले स्क्योर, वो स्क्रीम की तरह उसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो ये दोनों को ऐड करके मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, अब मुझे नया डिस्कवरी करना है, आपके पास क्या है? तो वो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि मेरे पास क्रीव है। देखिए, कोई डिस्कवरी करेंगे मतलब वो कोई अननोन चीज है या जिसको हम बोल सकते हैं पजलिंग चीज है। तो ऑब्सक्योर का मतलब हो गया अननोन या पजलिंग। जैसे देखिए, एक मैड साइंटिस्ट है, उनको पूछा जा रहा है कि आपको क्या डिस्कवरी करना है, कौन सा अननोन चीज को करना है, उसके लिए आपके पास क्या है? वो बोल रहे हैं मेरे पास स्क्रीव है, स्क्रीव से मैं करूंगा ऑब्सक्योर, ऑब्सक्रीव, स्क्रीव से अननोन चीज को डिस्कवर करना है, ठीक है। उसका मीनिंग अभी देखिए, अननोन, बेफलिंग, पजलिंग, अनक्लियर, फोगी, बागियू। उसका हिंदी मीनिंग है अस्पष्ट। उसका डिफरेंट फॉर्म भी देखेंगे, एडजेक्टिव में है ऑब्सक्योर, उसका वर्ब है ऑब्सक्योरिंग, उसका नाउन है ऑब्सक्योरिटी। उसका अभी एक सेंटेंस देखेंगे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। ही इज एन ऑब्सक्योर राइटर इन इंग्लिश, मतलब वो एक इंग्लिश के राइटर है मगर वो इतने जाने माने नहीं है, रेपुटेड नहीं है, ठीक है ना। अभी देखेंगे उसका जो एसएससी में क्वेश्चन आया था, उसका चार वर्ड दिया गया है, एक है डिस्टिंक्ट, एक है भाग्यू, एक है एनिग्मा, एक है डिस्टिंग्विश। तो इसके अंदर ऑब्सक्योर का मीनिंग हो गया भाग्यू, ठीक है। तो ऐसे ही आपका एक एक वर्ड उसको कैसे यूज होगा हम अच्छी तरह से आपको बताएंगे, ठीक है। आज का हमारा दूसरा वर्ड है ग्रीव। ग्रीव का जो वर्ड है उसको हम कैसे ब्रेक करें, देखिए ग्री इब। तो उसको अगर हम ब्रेक करें ग्री इब, ग्री से आप सोचिए एक वर्ड ग्रीस माइंड में आ रहा है, इब। तो एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा जिसका नाम इब है, उसको ग्रीस जाना है। तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सब बहुत दुखी हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये भी ग्रीस जा रहा है। तो उसका एक इमेज माइंड में क्रिएट कीजिए, एक बच्चा है जिसका नाम है ये भी, उसका जो फैमिली मेंबर्स हैं वो रो रहे हैं क्योंकि वो बच्चा ग्रीस जा रहा है, ठीक है। तो उसका मीनिंग हो गया ग्रीफ का वेरी सैड, मून, डिस्ट्रेस, ऑफसेट, लामेंट, सैडन, सफर। उसका हिंदी मीनिंग हो गया शोक। डिफरेंट फॉर्म उसका ग्रीफ जनरली वर्ब में यूज होता है। उसका एक सेंटेंस अभी हम देखेंगे, दे आर स्टिल ग्रीविंग फॉर देयर डेड चाइल्ड, उनके बच्चे मर गया है जो बच्चा, उसके लिए वो अभी तक शोक कर रहे हैं। तो उसको बोलेंगे दे आर स्टिल ग्रीविंग फॉर देयर डेड चाइल्ड, ठीक है। अभी उसका एक सेंटेंस एसएससी में आया था, जैसे ग्रीव उसका मीनिंग एगोनी, मोन, रिजॉयस, सैडनेस। एगोनी जो होता है उसका मीनिंग होता है जनरली पेन होता है, फिजिकल या मेंटल हो सकता है। मोन होता है ए लॉन्ग साउंड, अनप्लीजेंट होता है। ग्रीव उसका ऑपोजिट हो जाएगा रिजॉयस, ठीक है। सैडनेस उसका सिनोनिम। आज का हमारा तीसरा वर्ड है बिजार। तो ये जो वर्ड है बिजार, तो उसको हम कैसे यूज करें और उसको कैसे हम ब्रेक करें जो हमारी इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, बिजार को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, बिजार प्लस री। बिजार को बाजार कर लेते हैं और री को रीड कर लेते हैं। बाजार में खड़े होकर रीड करना अनयूजुअल लगता है,
सोचिए एक बच्चा बाजार में बहुत भीड़ है, उसकी बीच में खड़े होकर वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो थोड़ा हमें अनयूजुअल लगता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए जनरली हम पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहते हैं, मगर ये जो बच्चा है वो अनयूजुअल है, वो बहुत भीड़ के अंदर खड़े होकर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, उसका एक इमेज क्रिएट कीजिए। उसका मीनिंग है रेड, स्ट्रेंज, पिकुलियर, सरियल, क्यूरियस, आउटलैंडिश। उसका हिंदी मीनिंग है विचित्र। उसका डिफरेंट फॉर्म है बिजार, जो होता है वो जनरली एडजेक्टिव में यूज होता है। ठीक है, और उसका एक सेंटेंस देखेंगे, इन दिस मूवी दिस इज ए बिजार सिचुएशन। ये मूवी में ये एक स्ट्रेंज सिचुएशन है या फिर पिकुलर सिचुएशन है। ठीक है, तो अभी देखेंगे वो कैसे एग्जाम में आया था। एक क्वेश्चन जैसे एसएससी में उसका चार ऑप्शन था, ये एंटोनिम में आया था, बिजार का ऑपोजिट हो जाएगा ऑर्डिनरी। ठीक है, जैसे ड्रोल का हो गया अम्यूजिंग। ठीक है, आज का हमारा फोर्थ वर्ड है डी टेस्ट। उसको ब्रेक करते हैं डी टेस्ट, देखेंगे कैसे हम उसको इजीली याद कर सकते हैं। डी जो है एक नेगेटिव वर्ड होता है और उसके बाद हुआ टेस्ट। एक सेंटेंस याद कीजिए, क्रिकेट में सब सचिन को जानते हैं, तो सचिन टेस्ट में फेल होने के कारण, जो टेस्ट मैच में फेल होने के कारण सब जानकर उनको हेट कर रहे थे, तो उनके जितने फैंस है सब उनको हेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सचिन टेस्ट में फेल हुए। डी एक नेगेटिव वर्ड जिसको फेल के लिए यूज किया गया। ठीक है, तो उसका एक इमेज क्रिएट कीजिए कि सचिन टेस्ट में फेल हुए, उसके लिए उनके जो फैंस है सब उनको हेट कर रहे हैं। तो डी टेस्ट का मतलब हो गया हेट करना, घृणा करना किसको। ठीक है, तो उसका मीनिंग देखेंगे, हेट, लोअर, अबोमिनेट, डिस्पायर, आवर। ठीक है, उसका हिंदी मीनिंग है घृणा करना। डिफरेंट फॉर्म, ये वर्ब है, नाउन में होगा डिटेस्टेशन। उसका एक सेंटेंस देखिए, दे डिटेस्टेड इच अदर ऑन साइड। दोनों के बीच में पहले से लड़ाई हुआ था, जो दोनों मिले तो आपस में डिटेस्ट किए। ठीक है, तो देखेंगे ये जो डिटेस्ट है वो एग्जाम में कैसे आता है, उसका एंटोनिम सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स लगभग आपको पता चल गया होगा। एसएससी में जो एक क्वेश्चन आया था, इंज्योर, आशिष्ट, आडर, विथहोल्ड, तो एडर का मतलब होता है टू लव समबडी, तो उसका ये हो जाएगा एंटोनिम। ठीक है, आज का हमारा फिफ्थ वर्ड है इलिसिट। जो वर्ड इलिसिट है, हम थोड़ा ये वर्ड को सुनने के बाद हमको ऐसे लगता है इल सिट, मतलब उसको हम ब्रेक कर सकते हैं इल साइट। ठीक है, तो याद करने के लिए इसको ब्रेक हो गया इल प्लस साइट। तो एक सेंटेंस याद रखिए और ये एक इमेज की तरह आप क्रिएट कीजिए, पूरा उसको सिर्फ रटने की कोशिश मत कीजिए। इस एरिया को जाना मना है क्योंकि यह साइट में सब लोग इल है। जैसे इबोला वायरस आया था ऐसे ही ये जगह में क्या हुआ, एक पार्टिकुलर एरिया पूरा इन्फेक्टेड है, उस एरिया को जाना मना है। उसका इमेज देख लीजिए, तो उसका मतलब हो गया फॉरबिडन। ठीक है, तो इस साइड को जाना मना है, इल साइट है ये। ठीक है, तो इसके लिए हो गया इल साइट का मतलब फॉरबिडन। उसका मीनिंग हो गया अनलॉफुल, फॉरबिडन। उसका डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे, ये इलिसिट एडजेक्टिव है, उसका एडवर्ब हो जाएगा इलिसिटली। ठीक है, उसका एक सेंटेंस देखिए, डोंट ब्रेक योर रिलेशनशिप इन एन इलिसिट लव अफेयर। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है हमारी आस पड़ोस में जो संबंध होता है उसको ब्रेक मत कीजिए एक अनलवफुल फॉरबिडन लव अफेयर में। ठीक है, तो ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा और ऐसे ही आप ये वर्ड को यूज कर सकते हैं। अभी देखेंगे जो एग्जाम में आया था, चार वर्ड अप्रूव्ड, नोबल, लीगल, करेक्ट।
तो इलिसिट इलीगल हो गया, उसका ऑपोजिट हो जाएगा लीगल। ठीक है, आज का हमारा सिक्स्थ वर्ड है ओपुलेंस। उसको कैसे ब्रेक करें जो इजीली आपका याद हो जाएगा, ओपुलेंस ऐसे आप याद कीजिए। ओपु नाम का एक बच्चा है जिसका लेंस बहुत एक्सपेंसिव है, तो ओपू का स्पेक्टाकल का जो लेंस है वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसका कीमत बहुत ज़्यादा है, कॉस्टली है। तो ऐसे हम ओपुलेंस को, उसका मतलब हो गया वेल्दी, एक्सपेंसिव। ठीक है, तो उसको याद करने के लिए एक इमेज क्रिएट कीजिए, ओपू का जो स्पेक्टाकल का लेंस है वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसका इमेज भी आप देख लीजिए। ठीक है, ओपू का लेंस बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, उसका मीनिंग हो गया लग्जूरियस, वेल्दी, एबंडेंट। ठीक है, उसका एडजेक्टिव हो गया ओपुलेंट, नाउन है ओपुलेंस। मुकेश अंबानी इज एन ओपुलेंट पर्सन इन इंडिया। मुकेश अंबानी जो कि धीरूभाई अंबानी का बच्चा है, तो वो क्या है, ओपुलेंट पर्सन है, वो हमारे देश में एक वेल्दी पर्सन है। ठीक है, तो देखेंगे ये जो ओपुलेंट है उसका सिनोनिम्स तो पता चल गया, उसका एंटोनिम में आ जाएगा पॉवर्टी, सिंप्लिसिटी। ये जो एसएससी में क्वेश्चन आया था, चार ऑप्शन था, लग्जरी, वेल्थ, ट्रांसपेरेंसी, पॉवर्टी, तो उसका आंसर हो जाएगा पॉवर्टी। ठीक है, आज का हमारा सेवेंथ वर्ड है फेरिल। जो वर्ड है फेरिल उसको हम देखिए कैसे ब्रेक कर सकते हैं। एक बार आप खुद उसको पढ़िए, आपको लग रहा है फेरिल, पे प्लस रिल, रिल से रिलीफ हो गया, जो राहत होता है, राहत उनको देना चाहिए जो सीरियस डेंजर में है। जैसे कहाँ पे फ्लड आए हैं, तो जो रिलीफ देने वाले हैं उनको ये बताया जा रहा है कि रिलीफ उनको देना पहले जो सीरियस डेंजर में है। ठीक है, उसका एक इमेज क्रिएट कीजिए कि रिलीफ देने वाले गए हैं जो सीरियस डेंजर में है। देखिए ये इमेज तो आपको इजीली ये वर्ड याद रह जाएगा, तो उसका मीनिंग हो गया सीरियस डेंजर। ठीक है, फेरिल का मीनिंग हो गया सीरियस डेंजर। उसका और क्या क्या मीनिंग हो सकता है, हाजार्ड, इनसिक्योरिटी, जियोपाड़ी, ये वर्ड बहुत यूज होता है, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, उसका हिंदी मीनिंग है जोखिम। डिफरेंट फॉर्म ये नाउन है, एडजेक्टिव हो जाएगा पेरिलस, एडवर्ब हो जाएगा पेरिलसली। उसका एक सेंटेंस देखेंगे, वी आर अवेकनिंग पीपल अबाउट द पेरिल्स ऑफ ड्रग एबिट्स। तो जो ड्रग्स खा रहे हैं उससे क्या बैड इफेक्ट होता है, उससे हमारी बॉडी को क्या हाजर्ड्स होता है, उसके लिए हम सब लोगों के अंदर एक जागृति ला रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखेंगे जो एसएससी में क्वेश्चन आया था, ये चार ऑप्शन से कौन सा उसका एंटोनिम है, तो पेरिल का एंटोनिम हो जाएगा सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी, यहाँ पे है सेफ्टी। ठीक है, आज का हमारा एट्थ वर्ड है डॉलीफुल। तो ये वर्ड को कैसे हम इजीली याद कर सकते हैं, देखिए डॉलीफुल, उसको एक इमेज क्रिएट कीजिए, उसको पहले ब्रेक कीजिए, डॉली प्लस फुल। डॉली एक लड़की है जो फुल ऑफ सैड, डॉली अपनी पिता के देहांत में बहुत दुखी है। ठीक है, दुखी होना, बहुत दुखी होना, वेरी सैड, ये होता है डॉली फुल का मीनिंग। तो अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कीजिए डॉली नाम की एक लड़की का, और उनके पिताजी का डेथ हो गया, देहांत हो गया, जिससे वो बहुत दुखी है। उसका इमेज देखिए कि ये जो लड़की डॉली है वो बहुत दुखी है क्योंकि उनकी पिताजी का देहांत हो चुका है। ठीक है, तो अभी देखेंगे ये वर्ड का मीनिंग क्या क्या हो सकता है, मॉर्नफुल, ड्रीरी, डिस्मल, वेरी सैड। जैसे मातम मनाना होता है ना, मातमी, उसका मीनिंग हो गया।
डिफरेंट फॉर्म एडजेक्टिव में हो गया डॉली फुल, एडवर्ब हो गया डॉली फुली, ठीक है। उसका देखेंगे एक सेंटेंस, ही इज लुकिंग डॉली फुल एज ही लॉस्ट हिज एल्डर सन, कोई अपने बड़े बेटे को खोने के बाद कैसे दिखाई देते हैं, डॉली फुल मतलब वो मातवी है, बहुत दुखी है, ठीक है। ये हो गया ये सेंटेंस, ये जो वर्ड है उससे कौन सा सेंटेंस बन सकता है। अभी जो एसएससी में क्वेश्चन आया था उसका चार ऑप्शन के अंदर आप देख लीजिए, डॉली फुल का एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल, और उसका सिनोनिम तो मनफुल है। आज का नाइन्थ वर्ड है रेटिफिकेशन, उसको ब्रेक कीजिए, रेट प्लस फिकेशन को हम बोल सकते हैं वेकेशन। रेट जो होते हैं, रेट तो एक जनरल वर्ड है, उसमें क्या क्या यूज होता है, जैसे मेल रेट को बक्स बोला जाता है, अनमेड फीमेल को डूइज बोला जाता है, जो प्रेग्नेंट है उनको डैम्स बोला जाता है, और जो उनका एक ग्रुप को, रेट की एक ग्रुप को मिस्चिफ बोला जाता है, इसको भी याद कर लीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी आ सकता है, ठीक है। रेटी प्लस फिकेशन को वेकेशन कर लीजिए, रेट वेकेशन जाने के लिए समझौता किए, मतलब वो अप्रूव किए कि हमें वेकेशन में जाना है, क्योंकि लोग सब भी वेकेशन में जाते हैं तो हमें तो छुट्टी नहीं मिलता, हम भी इस बार वेकेशन में जाएंगे, क्योंकि ऐसे एक फनी इमेज आपका याद हो जाएगा, तो वो सब मिलके अप्रूव किए कि उनको वेकेशन में जाना है। मीनिंग है कॉन्फर्म वैलिडेट अप्रूव ऑथोराइज वेरीफाई, मीनिंग है समर्थन। डिफरेंट फॉर्म है रेटिफिकेशन नाउन होता है, रेटिफाई वर्ब होता है। उसका एक सेंटेंस देखिए, द ट्रीटी वाज रेटिफाइड बाय ऑल द मेंबर स्टेट्स, जो ट्रीटी है वो हर जो आज की मेंबर स्टेट के द्वारा समर्थित हुआ, उसका मीनिंग समझ में आ गया, तो ऐसे हम रेटिफिकेशन वर्ड को यूज कर सकते हैं। अभी देखेंगे वो कैसे क्वेश्चन में आया था, ये एक एसएससी का क्वेश्चन है रेटिफिकेशन का, क्या हो जाएगा मीनिंग हो गया उसका एंटोनिम हो जाएगा डिसअप्रूवल, ठीक है, डिसअग्रीएबल डिनायल। का हमारा टेंथ वर्ड है इनकॉन्ग्रुअस, ये एक बहुत इजी वर्ड है, कॉन्ग्रुअस ट्रायंगल आपको पता होगा, जैसे कोई भी दो ट्रायंगल के अंदर सिमिलरिटी है, ठीक है, हारमोनियस इस टाइप का है, मैचिंग होता है, उसी का ऑपोजिट इन एक ऑपोजिट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, सफिक्स की रूप से। तो कॉन्ग्रुएंस का ऑपोजिट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आप पढ़े होंगे उसका ऑपोजिट, तो इन कॉन्ग्रुएंस उसका मीनिंग हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्टोरी, कॉन्फ्लिक्ट इस टाइप का, ठीक है। तो जैसे आपका इनकॉन्ग्रुएंस वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, इन मतलब ऑपोजिट होता है, कॉन्ग्रुएंस मतलब जिसमें सिमिलरिटी रहता है, मैचिंग होता है, तो सिमिलरिटी मैचिंग का ऑपोजिट क्या होता है आपको पता होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्ट्राडिक्टोरी होता है, डिसिमिलर होता है, डिसमैच होता है, ये सब उसका सिनोनिम हो गया। तो ये देखिए, ये है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का डायग्राम, इसमें देखिए जो जो दो दो डायग्राम दिया गया है, दो दो ट्रायंगल, वो सब कॉन्ग्रुएंस है, मीनिंग उसका हो गया कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग, इनअप्रोप्रिएट, क्लेशिंग, डिस्कॉर्डेंट, उसका मीनिंग है बेमेल, जैसे दो ट्रायंगल के बीच में कोई मेल नहीं, कोई सिमिलरिटी नहीं, ठीक है। ये है एडजेक्टिव, नाउन में यूज होगा कॉन्ग्रुइटी, और एडवर्ब हो जाएगा कॉन्ग्रुअसली, ठीक है। उसका सेंटेंस है, सर ट्रेडिशनल मेथड सीम इनकॉन्ग्रुअस इन आवर टेक्निकल एज, जो ट्रेडिशनल मेथड है वो अभी के समय में उसका कोई इतना यूज नहीं, वो कॉन्ट्राडिक्टोरी हो चुका है। जैसे एग्जाम में आया था क्वेश्चन, उसका एंटोनिम हो जाएगा हारमोनियस, और जो वर्ड है लगभग उसका सब सिनोनिम से, एंटोनिम हो जाएगा हारमोनियस। अभी हम जो 10 वर्ड हम आज डिस्कस किए उसी को आप क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आप अगर हो सके तो आंख बंद करके मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ उसी का इमेज क्रिएट कीजिए, देखेंगे कितना जल्द आपका ये याद हो जाएगा,
ठीक है। पहला वर्ड याद कीजिए ऑब्स्क्योर, ऑब स्क्रू लेके, याद कीजिए जो एक मैड साइंटिस्ट था वो स्क्रू लेके क्या कर रहा था, नया डिस्कवरी, मतलब अननोन चीज का डिस्कवरी। ऑब्स्क्योर का मतलब हो गया अननोन थिंग। सेकंड वर्ड था ग्रीव, ग्रीस से ग्रीस हुआ था, ईव एक बच्चा था जो ग्रीस जा रहा था, उसकी मम्मी उसको पकड़े थे और वो बहुत सैड थे क्योंकि बच्चा ग्रीस जा रहा है, ठीक है। तो ग्रीव का हो गया था वेरी सैड। विजार, विजार का बाजार में रीड करना, याद कीजिए बहुत भीड़भाड़ में कोई पढ़ रहा है तो वो अनयूजुअल है। डी टेस्ट, टेस्ट में फेल होना, सचिन तेंदुलकर तो उसको सब हेट कर रहे हैं उनके फैन, तो डी टेस्ट हो गया हेट। इलिसिट, इल साइड को, जाना मना है, फॉरबिडन, ठीक है, इबोला वायरस के बारे में बताए थे। ओपुलेंस, नेक्स्ट वर्ड है आपका ओपुलेंस, ओपू का जो लेंस है वो बहुत एक्सपेंसिव है तो वेल्दी हो गया। नेक्स्ट वर्ड था पेरिल, याद कीजिए पे रिल, रिलीफ किसको देना है, जो बहुत सीरियस है तो वेरी सीरियस, ठीक है। डॉली फुल, याद कीजिए एक लड़की है डॉली जिसकी पिता की देहांत हो गया था, ठीक है, वो बहुत दुखी है, वेरी सैड। रेटिफिकेशन, रेट वेकेशन, रेट सब वेकेशन में जाने के लिए अप्रूव किए हैं। इनकॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस ट्राइंगल होता है उसका ऑपोजिट इनकॉन्ग्रुअस, मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्ट्राडिक्टोरी आ गया, तो ये हो गया उसका मीनिंग। तो जो 10 वर्ड है वो रिवाइज हो गया, फिर एक बार ऐसे ही आप रिवाइज कर लेंगे तो ये आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और आप इजीली इसको रिकॉल कर सकते हैं।